सरकार चौंधी चौंधी अपडेट है, सुन लो फिर। वजीरे आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नामजद होए ने ते पीपल्स पार्टी ते बाकी जिहड़ी इत्तेहादी जमातां ने उन्होंने कहा कि असीं तुहानूं वोट देंगे असैम्बली। ते वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, यह हुण तिकर दी डिवेलपमेंट है। ते मैनूं इख्तलाफ है एक ते वजीरे आला पंजाब तो कि वजीरे आला पंजाब तो थोड़ा जिहा इख्तलाफ है क्योंकि मरियम नवाज मैं नहीं कह सक कह रहा कि उहदी मैनेजमेंट नहीं है, वह नहीं चला सकती, लेकिन मैं इन्ना जरूर मैं पता है कि पार्टी च लोअर लैवल से अपर लैवल से मरियम दे लई बड़े इख्तलाफात ने जिदे च शाहिद खाकान अब्बासी ते तुहाडे कोकोमो वाले अंकल जिहड़े ने मिफ्ता इस्माइल ते होर बड़े लोग ने जिहड़ा मरियम तो इख्तलाफ करते हैं तो वह नहीं चाहते कि मरियम वजीरे आला दी सीट पर आए। ईवन के जदों मरियम नूं पार्टी दा अहुदा दिता गया सी जदों भी बड़ी चीकां दी आवाज़ां आईयां सन ते बहुत से लोग छड़ गए सन नून लीग ते बहुत से लोगों ने इतराज़ उठाया सी। लेकिन चलो खैर, हुण चाचा जी मुल्क चलाणगे ते भतीजी जिहड़ी है वह पंजाब मतलब सूबा चलाएगी। तो इन जी एक होर बहुत वड्डा फिर तो मैं मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है अली अमीन गंडापुर, उन्हें तुसी केपीके दे दिता इमरान खान ने कि जी अली अमीन गंडापुर केपीके दा वजीरे आला होएगा। यह उही गल हुई है जिवें उस्मान बुज़दार नूं पंजाब दे दिता सी। मरियम फिर भी बेहतर है, बहुत बेहतर है क्योंकि मरियम का पिछे करियर उहदा खानदान एक मैनेजमेंट का खानदान है। मरियम अगर कितने फसी भी कम कर दे तो अपने चाचे कोलों ते या हमजा कोलों मुशावरत करके या पार्टी के बहुत से अहुदेदार ने जिन्हों को मुशावरत करके शेवों नूं कर सकती है, सॉर्ट आउट कर सकती है। लेकिन अली अमीन गंडापुर है, उही अली अमीन गंडापुर है जिहड़ी शहद दीआं बोतलां लैके बनी गल्ला जांदा सी ते खान साहब शहद पी के ताकत फड़दे सन ते फिर कंटेनर ते खलो के गल्लां करदे सन। तो हुण शहद दी बोतलां हुण केपी के पार्लीमेंट च भी विकनगियां या उत्थे एज ए तोहफे दे तौर ते जाणगियां, इह हुण खुदा बेहतर जाणदा है। ते उही अली अमीन गंडापुर है जिहड़ा कहिंदा सी कि इस्लामाबाद च बंदूकां पहुंचाओ ते रैफलां पहुंचाओ ते ओ चौकी मैं संभाल लांगा ते फलानी चौकी फलाना बंदा संभाल लेगा ते मैं सारे इंतजाम करते ने। ते इह सारी गल्लां ऑन रिकॉर्ड ने, मैं कोलों नहीं कह रहा। वह शहद की बोतलों की तस्वीरां ते वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड है ते वह ऑडियो कॉल भी अली अमीन गंडापुर की ऑन रिकॉर्ड है जिहड़ा वह कहिंदा सी जदों इस्लामाबाद इन्होंने पीटीआई ने धरना देना सी कि यह चौकी मेरे सिर है ते वह चौकी मैं संभाल ली है, रैफलां आ गई ने वगैरह वगैरह। ते इह उस्मान बुज़दार पार्ट टू पहले ही केपी के जिहड़ा प्रवेश खट्टा गया जिहड़ा हुण सियासत छड्ड गया उन्हें बेड़ा गर्क करता सी 10 साल च ते हुण अली अमीन गंडापुर की वारी है। हुण वेखो कि वह की हिसाब किताब करता है केपीके दा। ते जिवें इमरान खान कहिंदा सी कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस है ते अली अमीन गंडापुर मेरा ख्याल है फिर इमरान खान प्लस ही हो सकता है क्योंकि इमरान खान का सहूलतकार भी रहा शहद की बोतलों च ते बंदूकों च ते होर बड़े कामों च। ते हुण वेहने आ की होंदा केपीके दा की बनेगा ते पंजाब दा। ते खैर एक अगर मरियम मैं मेरा ख्याल है कि अगर मरियम नहीं भी चला सकती लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट है खानदान है अगे पिछे ते कोई ना कोई चीज़ा हो जाएगियाँ उन्होंने चला लेंगे उन्होंने लैके चल लेंगे, कोई एडी वड्डी गल नहीं है। लेकिन 2-2.5 साल यह हुकूमत कढ़ ले बड़ी गल है क्योंकि जिहड़ी लंगड़ी लुली हुकूमत बन रही है ना कि पीटीआई वाले वोट देंगे लेकिन पीटीआई मर्ज सॉरी पीपल्स पार्टी वाले वोट देंगे वजीरे आजम नूं ते लेकिन पीपल्स पार्टी मर्ज नहीं हो रही बहेगी ओपोजिशन च। ते यह जरा कम थोड़ा जिहा ना टैट है कि जदों भी दिल करेगा वड्डिया का पिंडी का वह कहे जी पीटीआई ते पीपल्स पार्टी आपस से ला करन ते यह जिहड़े इत्तेहादी ने ते नून लीग नूं चुक के बाहर सुट्टन ते 2-2.5 साल बाद हुकूमत चेंज कर दिओ ते इमरान खान बार भी आ सकता है। ते करन वाले बहुत कुछ कर सकते ने, करन वालिया ने जिहड़ी इस वारी टिकट वंडे ने वह बड़े हिसाब किताब नाल वंडे ने कि कोई भी उन्होंने अखा ना विखाए, जदों भी कोई अखा विखाएगा उन्होंने कहेंगे चल भाई सैड ते हो असी अगला वजीर आजम लिया रहे हैं, अदम एतमाद आ गई है तो फलाना आ गया तो धमाका आ गया, यह जी गल्लां हो सकदियां ने। ते बस यही सूरत हाल है इस वेले ताड़ी कैबिनेट की ताड़ी काबीना की ते ताड़े पंजाब की ताड़े केपीके की। ते सिंध दा जहरी गल है वह वजीरे आला उन्हों करता उन्होंने नामजद जिहड़ा पहला सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ते बस कुछ समझ नहीं आया, मज़ा नहीं आया इलैक्शन का। बिल्कुल तुसी यह कह सकते हो कंक्लूड यह कर सकते हो कि एक होर पीडीएम बन गई ते रली मिली सियासत रले मिले लोग ते उही चेहरे जिहड़े एक साल पहला सन उही दोबारा मुल्क चलाएंगे।